में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसे दूसरे को सिखाया। तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसे दूसरे को सिखाया। जी बेटा, इस हदीस का उनवान क्या है? फजीलत कुरान। ठीक है बेटा जी, कुरान की फजीलत। तो इस हदीस से बेटा अक्सर बोर्ड में एमसीक्यूज बनता है कि तुम से बेहतर वो जिसने सीखा और सिखाया क्या? कुरान। क्या? कुरान। ठीक है बेटा, तो तशरीह की तरफ चलते हैं। कुरान हकीम कलाम इलाही है। कुरान हकीम कलाम इलाही है। इस जुमले में बेटा एमसीक्यूज है कि कुरान हकीम किसका कलाम है? कुरान हकीम किसका कलाम है? कुरान हकीम कलाम इलाही है। इसका कलाम है कलाम इलाही है, यानी अल्लाह ताला का कलाम है। अच्छा जी, जिसका इस मौजू इंसान है, इसका मौजू इंसान है। तो बेटा इस जुमले में भी एमसीक्यूज है कि कुरान हकीम का मौजू क्या है? कुरान हकीम का मौजू क्या है? कुरान हकीम का मौजू इंसान है। कुरान हकीम का मौजू इंसान है। जी बेटा, ये किताब पास नमाज रोजे की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं। ये किताब पास नमाज रोजे की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इंसान जिंदगी के तमाम पहलू, इंसान जिंदगी के तमाम पहलू, खावो दुनियावी हूँ या उखरवी, मुआशी हूँ या मुआशरती, सियासी हूँ या सियासी, सब के बारे में ताबत रहनुमाई रखती है। ठीक है बेटा, ये किताब मास नमाज रोजे की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इंसान जिंदगी के तमाम पहलू, खावो दुनियावी हूँ या उखरवी, मुआशी हूँ या मुआशरती, सियासी हूँ या सियासी, सब के बारे में ताबत रहनुमाई रखती है। हम आखिरत में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम अपनी दुनियावी जिंदगी को कुरान तालीमात के सांचे में नहीं डाल लेते। इसलिए जरूरी है कुरान जी पढ़ें, समझें और अमली जिंदगी में इसकी पैरवी करें। प्लीज दूसरों को इसका पैगाम पहुंचाएं और इस पर अमल करने की तरगीब दें। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर तशरीह सुन लें। और इसमें एक दो सवाल बनते हैं, उसका सवाल बेटा वो भी अंडरलाइन कर लें। कुरान हकीम किसका कलाम है? कलाम इलाही है। कुरान हकीम किसका कलाम है? कलाम इलाही है। इसका मौजू क्या है? इंसान है ये किताब। अगला शार्ट सवाल बेटा ये है कि कुरान मजीद इंसानी जिंदगी के किन पहलुओं के मुताबिक रहनुमाई करता है? कुरान मजीद इंसानी जिंदगी के किन पहलुओं के मुताबिक रहनुमाई करता है? तो बेटा बच्चे लिखते हैं तमाम पहलुओं की तरफ रहनुमाई करता है। तो बेटा ये जवाब दुरुस्त है लेकिन नामुकम्मल है, लेकिन नामुकम्मल है, लिहाजा हमने अपनी बात को साबित करने के लिए वजाहत से लिखना होगा कि कुरान मजीद इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं के मुताबिक रहनुमाई करता है। मसलन दुनियावी हूँ या उखरवी, ठीक है, तमाम पहलू, मसलन दुनियावी हूँ या उखरवी, मुआशरी या मुआशरती, सियासी और सियासी, सब के बारे में ताबत रहनुमाई रखता है। ठीक है बेटा, अगला सवाल है कि हम दुनिया में कब, हम आखिरत में कब कामयाब हो सकते हैं? आखिरत में कब कामयाब हो सकते हैं? जब तक हम अपनी दुनियावी जिंदगी को कुरान तालीमात के सांचे में नहीं डाल लेते तब तक हम आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, अब कुरान मजीद के हवाले से हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद पढ़ें, समझें, अमल जिंदगी में इसकी पैरवी करें, प्लीज दूसरों को इसका पैगाम पहुंचाएं और इस पर अमल करने की तरगीब दें। तो बेटा ये एमसीक्यू, ये चार सवाल और ये तशरीह, आपने मुकम्मल तौर पर इसको याद करना है बेटा। यही आपका क्लास वर्क है, यही आपका होमवर्क है बेटा। तवज्जो से करें और तवज्जो से करने के बाद होमवर्क मुझे सेंड करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो। वस्सलाम।